नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ देवेंद्र शर्मा, न्यूरोथेरेपिस्ट आरोग्यम न्यूरोथेरेपी दिल्ली। और आज इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरोथेरेपी में हम थायराइड ग्लैंड को कैसे स्टिमुलेट करते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, यानी थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम कर रहा हो, जिसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं, और उस कंडीशन में टीएसएच जो है वो बढ़ जाता है, उस कंडीशन में हम थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि थायराइड स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा, तो वो अपना काम प्रॉपर कर पाएगा। अगर दूसरी कंडीशन में हम देखें कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपर हो गया है, यानी बहुत एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, जिसमें T3 और T4 हार्मोन्स जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, TSH कम हो जाता है। अगर एक जनरल बात में हम समझें, तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मेरे को थायराइड की समस्या है, और अगर उनको पूछें तो वो क्या कहते हैं, थायराइड की समस्या है मोटे होने वाली, यानी उनको हाइपोथायराइड है। और हाइपरथायराइड वाले व्यक्ति क्या कहते हैं, मेरे को थायराइड की समस्या है जी, बहुत सारा खाना खाता हूं लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता, और मेरा वेट जो है वो कम हो रहा है, मेरा बॉडी मास जो है वो कम हो रहा है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है, और इसको हम न्यूरोथेरेपी में बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे, ये अपना वर्क प्रॉपरली करेगी। सिर्फ हमें क्या करना है, उसको डायरेक्शन देनी है, उसको ट्रैक देना है कि आपको इस ट्रैक पे वर्क करना है। अगर हम उसको वो ट्रैक देंगे, उसको डायरेक्शन देंगे, तो वो अपना काम प्रॉपरली कर पाएगी। तो आइए देखते हैं कि न्यूरोथेरेपी में थायराइड ग्लैंड को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से, जो बहुत इफेक्टिव है और बहुत इजी पॉइंट है। देखो, थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले में बिल्कुल एकदम मिड में, ये जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का, ये जो निकला हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, थायराइड ग्लैंड। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन अभी हम यहां पे थायराइड ग्लैंड बोलेंगे, और थायराइड ग्लैंड को ही हमें एक्टिवेट करना है। देखिए कैसे, दोनों हाथ अपने इस तरीके से रखो, इस तरीके से, अगर ऐसे नहीं कर सकते आप, इस तरीके से सेट भी कर सकते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल जस्ट नीचे ये, और अगर दो बार ये ऐसे बहुत हल्का पुश करेंगे, 1 2, तो ये हमारा एक थायराइड होता है। तो इस तरीके से अगर हम दो बारी करें, 1 2, और इसको करने के बाद हम रिलैक्स जरूर करेंगे। दोस्तों, इतना करने से हम थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी 1 2, ये 2 थायराइड हो गया, इससे हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होती है न्यूरोथेरेपी के अनुसार। न्यूरोथेरेपी में ये थायराइड पॉइंट जो है वो बहुत यूजफुल है, बहुत सारी डिजीज में यूज करते हैं हम, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में ये थायराइड पॉइंट हमारा आता है। तो इतना आसानी से हम थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर इतना आसान तरीके से कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी जानकारी जो हमें अच्छी लगी है, वो डेफिनेटली दूसरे लोगों को भी अच्छी लगेगी, और लगनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।